तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे समर स्पेशल ठंडी ठंडी और रिफ्रेशिंग मसाला सिकंजी। और इस गर्मियों के मौसम में सभी को मसाला सिकंजी पीना बहुत ही अच्छा लगता है। और इस मसाला सिकंजी को बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगता है, मतलब कि ये बहुत ही झटपट बन जाती है। तो चलो जल्दी से हम टेस्टी और ठंडी ठंडी मसाला सिकंजी बनाना स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाजू में बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मसाला सिकंजी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस तरह का एक ग्लास ले लिया है। अब हम सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे नींबू का जूस। तो यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून जितना नींबू का जूस डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के नींबू ले लिए थे और इसका जूस निकाल लिया था। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे पाउडर्ड शुगर, मतलब की पीसी हुई चीनी। तो यहाँ पर हम 1.5 टेबल स्पून जितनी पीसी हुई चीनी डाल देंगे। और साथ ही में हम इसके अंदर डालेंगे पुदीने के पत्ते। तो यहाँ पर मैंने 25 जितने पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं। अब हम यहाँ पर इस टाइप का एक टूल ले लेंगे और इसकी मदद से हम सारे पुदीने के पत्ते को अच्छे से क्रश कर लेंगे ताकि पुदीने का जितना भी जूस जो है वो अच्छे से निकल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो इस पुदीने के पत्ते को मोटर पेस्टल में भी अच्छे से क्रश कर सकते हो। और थोड़ी देर के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पुदीने के पत्ते का सारा जूस जो है वो अच्छे से निकल गया है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून जितना काला नमक, जिससे हमारा सिकंजी जो है वो बहुत ही चटपटा बनेगा। और साथ ही में हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून जितना सिंपल नमक, मतलब कि हम जो रेगुलर नमक यूज करते हैं ना, ये वही वाला नमक है। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जितना रोस्टेड जीरा पाउडर और साथ ही में डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जितना धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर डालने से हमारे सिकंजे में एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1/8 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर। तो यहाँ पर हमें ब्लैक पेपर पाउडर बहुत ही कम डालना है। और इसके साथ यहाँ पर हम 2 लेमन की स्लाइस डाल देंगे और साथ ही में 5 से 6 जितने आइस क्यूब डाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हमारी ठंडी ठंडी सोडा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से हमें सोडा डाल देनी है। तो सोडा से हम पूरे ग्लास को फिल कर लेंगे और इसके बाद हम चम्मच की मदद से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखा फ्रेंड्स, कितना आसान है इस सिकंजी को बनाना। तो इसी तरह से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और देखिए फ्रेंड्स, हमारी ठंडी ठंडी रिफ्रेशिंग मसाला सिकंजी बनकर तैयार है। अब हम इस ग्लास को 1 लेमन स्लाइस से गार्निश कर देंगे। और लीजिए, हमारी समर स्पेशल ठंडी ठंडी और रिफ्रेशिंग मसाला सिकंजी बनकर तैयार है। तो आप भी घर पे इस तरह से मसाला सिकंजी जरूर बनाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाजू में बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।